कहाँ? मेडिकल इक्विपमेंट की दुकान पे आई थी, कुछ सामान लेना था। एक्चुअली बिग हैरेसमेंट नहीं, मुझे हैरेस किया गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रियांश की कोई गलती है। रियांश ने बहुत बार आराधना से पूछा कि मतलब आराधना अगर उसे सच बता देती तो ये सिचुएशन कभी नहीं आती। अगर आराधना सच बता देती कि वो उसकी फ्रेंड की हेल्प कर रही है तो शायद ये ड्रामा इस मोड़ पर नहीं जाता। लेकिन क्या करें, ये एकता कपूर का सीरियल है, तो ट्विस्ट ना हो एकता कपूर के सीरियल में, भला ऐसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखोगे रियांश पूरी ऑफिस में पूरे स्टाफ के सामने आराधना को शर्मिंदा करता है और उसे ये बताता है आराधना ने किस तरह से उसे हैरेसमेंट किया था। क्योंकि रियांश बहुत ज्यादा गुस्से में है अपनी माँ गादावरी की वजह से, उसे लगता है हर एक औरत ऐसी ही होती है उसकी माँ की तरह बेवफा। लेकिन उसे ये लगा था कि नहीं, आराधना उसके माँ के जैसी नहीं है। उसने अपने डेट को भी कहा था, मैं बताऊंगा कि प्यार क्या होता है, शादी का मतलब क्या होता है। जब वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो आराधना से मिलने जा रहा था, लेकिन जब वो आराधना को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल रूम में मिलते हुए देख लेता है, तब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे भी लगता है कि सब औरतें उसकी माँ की तरह हैं। उसके बाद रियांश उसको बहुत सुनाता है पूरे स्टाफ के सामने और उसे जॉब से भी निकाल देता है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप ये सब देखने वाले हो।